हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासलेस एड्रेसिंग जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं राइट एक होता है क्लासफुल एड्रेसेस ठीक है जिसमें क्लासेस होती हैं ए से ई e तक राइट ये पहला जो आईपी एड्रेस का टाइप था वो ये था ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि इन टाइप्स में ये जो क्लासेस हम लोगों ने डिवाइड की थी इनमें कुछ ना कुछ इश्यूज थे हर एक क्लास का अलग अलग वर्क था एंड हर एक क्लास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी इसीलिए इसका सेकेंड टाइप क्रिएट किया गया जिसका नाम है क्लास एड्रेसिंग ठीक है सो जो क्लासलेस एड्रेसिंग है इसको हम लोग सिंपल क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं क्लासलेस क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इंटर डोमेन राउटिंग ठीक है जिसको कि बेसिकली सी आई डी आर के नाम से जाना जाता है ठीक है एंड ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सी आई डी आर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ओके सो so, जो क्लासलेस एड्रेसिंग होती है इट इज एन इम्प्रूव्ड आई पी एड्रेसिंग सिस्टम ठीक है इट इज एन इम्प्रूव्ड आई पी एड्रेसिंग सिस्टम इट मेक्स द एलोकेशन ऑफ आई पी एड्रेस मोर अफिशियंट ओके ये क्या है ये मोर एफिशिएंट सिस्टम है कैसे है क्योंकि जो क्लासफुल एड्रेसेस थे वहाँ पे हर एक काम को हर एक चीज को क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था ठीक है एंड क्लासेस को भी फर्दर डिवाइड किया जाता था नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी में लेकिन जो क्लासलेस सिस्टम है वहाँ पे इस तरह का कुछ भी काम नहीं होता है ठीक है सो इट रिप्लेसिज द ओल्डर क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द क्लासेज राइट सो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने यही याद रखनी है कि इसको सी आई डी आर भी बोलते हैं एंड इसमें क्लासेज यूज़ नहीं होती हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट जो है सी का कुछ ब्लॉक होता है ठीक है उसके ब्लॉक के कुछ डिजाइनिंग होती है जो कि मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है वेन अ यूजर आस्क फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ आई पी CIDR सी आई क्या करता है इट डायनामिकली असाइन अ ब्लॉक ऑफ आई पी एड्रेस बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स ठीक है क्या करता है सी आई डी आर असाइन करता है डायनामिकली असाइनमेंट होती है ठीक है यहाँ पे? डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल यानी कि ये जो आईपी एड्रेसेस एलोकेट करवाएगा वो चेंजेबल होंगे ठीक है यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या कनेक्शंस के अकॉर्डिंग वो आई पी को चेंज हम लोग कर सकते हैं ठीक है दिस ब्लॉक कंटेन्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आई पी ठीक है ये क्या करता है यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक प्रोवाइड करवाता है ठीक है एंड दिस ब्लॉक कंटेन्स दिस ब्लॉक कंटेन्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ The required number of IP addresses as demanded by as demanded by the users. Okay. Next point kya karta hai ye This block of IP addresses is called CIDR block. CIDR block बोलते हैं इसको. ठीक है? ये बेसिक सी चीज़ है. Okay. So अब अगर हम लोगों ने ये CIDR blocks को create करना होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे क्लासेस थी क्लासेस को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स थे है ना आई पी एड्रेस इस तरह से क्रिएट होते हैं वो होते थे क्लासेस की हेल्प से ठीक है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स थे वैसे ही यहाँ पे क्लासलेस एड्रेसिंग के लिए सी आई डी आर यूज होता है उसके ब्लॉक्स यूज होते हैं ओके सो so, उन ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं सो रूल वन जो है ये है कि ऑल द आई पी एड्रेसेज ऑल द आई पी एड्रेस इन द सी आई डी आर ब्लॉक मस्ट बी मस्ट बी कॉन्टिग्यूअस ठीक है इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर कहीं पे भी आ जाएगा उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होगा रूल नंबर टू जो होता है उसमें ये होता है कि साइज़ ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी प्रजेंटेबल एज पावर ऑफ टू एज पावर ऑफ टू ठीक है सो यहाँ पे ब्लॉक का साइज जितना भी होगा जैसे ब्लॉक का साइज अगर हमारे पास थ्री गिवन है ठीक है तो उसको हम लोग सिंपल थ्री नहीं लिखेंगे उसे लिखेंगे टू रेज टू पावर थ्री यानी कि टू की पावर में ही ये हमेशा काम करेगा ओके द साइज ऑफ ब्लॉक इज द टोटल नंबर ऑफ आई पी ठीक है साइज ऑफ ब्लॉक इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आई पी एड्रेसेज कंटेन्ड इन अ ब्लॉक ठीक है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो भी साइज होगा वो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आई पी एड्रेस जैसे ये एक ब्लॉक है इसके अंदर जितने भी आई पी एड्रेसेज है जैसे मान लीजिए टेन आई पी एड्रेसेज हैं उस ब्लॉक में ठीक है सो वही होगा उसके ब्लॉक का साइज राइट नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ सी आई डी आर ब्लॉक विल ऑलवेज भी इन द फॉर्म ऑफ ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि पावर के फॉर्म में काम करता है तो ये इसकी फॉर्म ऐट इस तरह से होगी टू रेज टू पावर वन टू रेज टू पावर टू थ्री एंड सो ऑन ठीक है ये इस तरह से काम करेगा हमेशा ये है रूल नंबर टू ओके नेक्स्ट इज रूल नंबर थ्री सो फर्स्ट आई पी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय ठीक है फर्स्ट आई पी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय द साइज़ ऑफ ब्लॉक ठीक है ब्लॉक का साइज़ जितना भी होगा मान लीजिए ब्लॉक का साइज टेन है ठीक है एंड जो आई पी एड्रेस का फर्स्ट ब्लॉक होगा उसका साइज़ टू है तो क्या होगा ये इससे डिविजिबल है राइट सो so, वही है रूल नंबर थ्री ठीक है कि फर्स्ट आई पी एड्रेस ऑफ ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय द साइज़ ऑफ ब्लॉक ओके सो ये थ्री रूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग क्लासलेस एड्रेसिंग को यूज़ करते हैं राइट नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि इफ़ एंड इफ एनी बाइनरी पैटर्न कंजिस्टिंग ऑफ ठीक है अगर हमारे पास कोई बाइनरी पैटर्न है ठीक है बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं जीरो एंड वन के फॉर्मेट में जो भी नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी नंबर्स बोलते हैं सो so, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है जो कि एम प्लस एन के फॉर्मेट में है ठीक है इफ़ एनी बाइनरी पैटर्न कंजिस्ट ऑफ कंजिस्टिंग ऑफ एम प्लस एन बिट्स इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर एन एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है ठीक है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर एन देन रिमेंडर इज लीस्ट सिग्निफिकेंट एन बिट ठीक है जो इसका फिर रिमेंडर होगा इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट एन बिट ठीक है एंड सेकेंड पॉइंट है जो इसका क्वेश्चन होगा Is most, it is the most significant, most significant ambit. ठीक है सो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा उसका जो मोस्ट सॉरी उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट एन बिट होगा उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड उसमें ऐड क्या करेंगे जो क्वेशन का मोस्ट सिग्निफिकेंट एम बिट होगा उसको यहाँ पे उसके साथ ऐड कर देंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला जो रूल है इसे हम लोग हर बार यूज नहीं करेंगे ये सिर्फ तभी यूज़ होगा जब यहाँ पे हम लोग बाइनरी पैटर्न को यूज़ कर रहे होंगे ओके okay? सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सी आई डी आर आई पी एड्रेसेस होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं ठीक है सिंपल एड्रेसेस में मैंने आपको बताया था कि वो इस तरह से कुछ नंबर्स होते थे ठीक है इस तरह के कुछ नंबर्स होते थे जिससे हमें पता चल जाता था कि ये क्या है क्लासफुल एड्रेसेस हैं या सिंपल आई पी एड्रेसेस हैं राइट लेकिन जो सी आई डी आर होते हैं वो नंबर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसे कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी स्लैश एन ठीक है ये हमेशा क्या होता है इसी फॉर्मेट में यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल वन एटी टू डॉट जीरो डॉट वन डॉट टू स्लैश ट्वेंटी एट ठीक है सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं हमेशा एंड में स्लैश यूज़ करते हैं ओके सी आई डी आर नंबर ऑलवेज एंड विद अ स्लैश फॉलोड बाय अ नंबर कॉल्ड एज आई पी नेटवर्क प्रीफिक्स ठीक है ये वाला जो नंबर होता है ये होता है इसका आई पी नेटवर्क प्रीफिक्स नंबर ठीक है एंड ये हमेशा एंड होते हैं स्लैश से ठीक है आई पी नेटवर्क प्रीफिक्स टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि जो आई पी नेटवर्क प्रीफिक्स होते हैं दे टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ठीक है रिमेनिंग बिट्स आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट इन द नेटवर्क ठीक है ये जितने भी बिट्स हैं ये क्या करते हैं ये बताते हैं हमें होस्ट यूज इन अ नेटवर्क ठीक है तो अगर एग्जाम में कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि ये एड्रेस जो है इस तरह से एक गिवन एड्रेस होगा ठीक है वहाँ पे आप लोगों ने देखकर बताना है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये पूछा होगा या फिर पूछा होगा कि ये क्लासफुल है या क्लासलेस है ठीक है सो अगर यहाँ पे स्लैश होगा जैसे ये मैंने बताया था अगर ये यह स्लैश यहाँ पे होगा फिर तो आप लोगों को क्लासेस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है थीके? क्योंकि फिर इसी साइन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है क्लासलेस एड्रेस है ठीक so, है सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स थैंक यू